ध्यान से जी, ये इस लोकेशन के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, रीडिंग रीडिंग्स आ रही हैं जी और बहुत तेज़ी से आ रही हैं। हाँ, और ये इसमें यहाँ चमकागढ़ भी है। रीडिंग बहुत ज़्यादा रीडिंग्स हैं जी यहाँ पर, हमें यहाँ पर रीडिंग भी मिल रही है। और ये हमारा अगर कैमरा दिखाया आपको, और ये चमगादड़, मेरा ख्याल है हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए यहाँ पर। कौन हो? कोई है यहाँ पर? हम किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने आए, हम सिर्फ देखने आए हैं कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। ये वो गली है नाजीन, अगर हम ये देख सके यहाँ पर, ये हमें रीडिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल रही है। और बहुत ध्यान से, यहाँ पर दीवारें नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें आगे जाने से इजतनाब करना चाहिए। ह्यूज किस्म की चमगादड़ें यहाँ पर, मेरा ख्याल है इनसे बचना, यहाँ से निकलना चाहिए मेरा ख्याल है। यहाँ से जाने, यहाँ से जाने। होल्ड ऑन रिलैक्स। क्या कोई चीज है यहाँ पे? यहाँ से निकलना चाहिए। लाइट 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 लाइट। ठीक है भाई, ठीक है, आज आज इस लोकेशन से बाहर निकल गए हम। आपको उसी प्रॉपर एक बताते हैं कि आखिर ये जगह क्या थी। आया यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें थी भी या नहीं, ये सब लोगों की अफवाहें थी। जैसा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ हम लोग जगहों पे गए जहाँ पे हमने रीडिंग्स भी ली, लेकिन हमने फोटोग्राफी भी की, लेकिन उसके साथ साथ चमगादड़ों ने हम पे हमला कर दिया। नाजिन, ये वो बारह दरी थी जहाँ से हम अभी आए हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसा वजूद भी हम लोगों को मिला है। और हम लोगों ने यही कोशिश की है कि वहाँ से निकला जाए, क्योंकि हमारे साथ जो पीर साहब हैं, जो कारी साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि आप ज़्यादा देर तक स्टे ना करें यहाँ पर। कोशिश हमने यही की है कि सच्चाई का पता चल सके, अनदेखे वजूद को हम महसूस कर सकें, और जो चमगादड़ें हैं और जो मक्खियाँ हैं, शायद वो इस जगह की हिफाजत के लिए हैं। चमगादड़ होगी और इस तरह की चीज़ें होंगी, जाला हो गया, मकड़ी होगी, इस तरह की चीजें होती हैं वीरान जगह पे। इसे हम शोर ये भी नहीं कह सकते कि ये जिन्नात हैं या शयातीन हैं। तो आप ये समझते हैं कि वो जो चीज है वो एक चमगादड़ के रूप में हम पे अटैक कर रही थी? हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि वीरान जगह है। अगर से उसने अपनी मौजूदगी नहीं दिखाई। बिल्कुल। अच्छा, तो जमील, क्या कंक्लूजन पे आओगे आप? मेरा ख्याल है कि हमें अपने नाज़रीन को बताना चाहिए कि ये जो जगह जहाँ पर हम आज आए हैं, हमने कोशिश की है कि ये अनदेखा वजूद की ये टीम कुछ यहाँ पर देख सके, कुछ महसूस कर सके, लेकिन हमें जो महसूस कर सके हैं वो आपने भी देखा, हमारे मीटर पर जो रीडिंग्स आई हैं, उसके अलावा जो चमगादड़ों और मक्खियों का हम पर हमला हुआ है। नो डाउट कि ऐसी जगहों को पब्लिक प्लेस ना बनाया जाए, वहाँ पर आम लोगों का दाखिला मना होना चाहिए, लेकिन इन जगहों को इस चीज़ का नाम भी ना दे दिया जाए कि यहाँ पर आके लोग मन्नतें मांगें। ठीक सर, वहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने देखी है। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर उस बारादरी के हवाले से लोगों में कुछ कयास राइयाँ हैं और वो इस चीज़ को मानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़्यादा ओपन ना किया जाए, एडवेंचर की तलाश ज़्यादा ना की जाए। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था वो आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है कि बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए या खुद बगैर किसी नुकसान के हम इस चीज़ को कवर अप कर सकें। नेक्स्ट एक और अच्छी जगह हम अपने नाज़रीन के लिए देखेंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जो अनदेखा वजूद है वो कितना हावी है, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना महसूस हो सकता है। तो अनदेखा वजूद की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।